रिकॉर्डिंग अब ऑन किया। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हुक्स लॉ, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें ये एक रिफरेंस का काम करेगा, है ना। शुरू में ये दोनों आइडेंटिकल थे, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग या इस वाले सेकेंड वायर पे से वायर जो अगर नाम दे दें इसका हम, ये ए है और ये वाला वायर क्या है, बी है। तो अगर हम लोग बी वायर पे हम लोग स्ट्रेस बढ़ाते चले जाएं, शुरू में ये आइडेंटिकल था, अब क्या कर रहे हैं हम लोग स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। तो स्ट्रेस बढ़ाने की वजह से क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि जो ये पॉइंटर है ये कहीं नीचे आएगा, ठीक है, ये पॉइंटर कहीं नीचे आएगा। इसका मतलब कि ये क्या बताएगा, दैट टेल अस कि कितना डिफॉर्म हुई है ये लेंथ, कितना डिफॉर्म मतलब कितना चेंज हुआ है, ये डेल्टा एल को बताएगा, ठीक है। इसका मतलब जो आपका वायर है वो एल लेंथ का नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। जहां पे डेल्टा एल क्या है, चेंज इन डायमेंशन मतलब चेंज इन लेंथ है, तो ये क्या हो गया आपका, डिफॉर्मेशन हो गया। अगर करेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करें, करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन डिफाइन करते हैं, तो स्ट्रेन डिफाइन किया जाता है फ्रैक्शनल डिफॉर्मेशन, दैट मींस ओरिजिनल डायमेंशन अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये हो गया आपका स्ट्रेन हो गया, लेकिन ये लेंथ के लॉन्ग है तो ये क्या कहा जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर हम लोग ये वेट बढ़ाते चले जाए यहां पे, तो वेट बढ़ाने से जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या होता यहाँ पे हो जाएगा, स्ट्रेस की अगर बात करेंगे हम लोग स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा जो भी यहाँ वेट डाल रहे हो, है ना, वही फोर्स का काम कर रहा है ना, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो आप अगर वेट को लिफ्ट करते हो, वेट को इंक्रीज करते हो, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेस भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम लोग इस लोड को रिमूव कर दें, तो जब लोड को एक पर्टिकुलर हमने स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, अब लोड को हम रिमूव कर दिए, है ना, तो क्या ये वायर जो है ये अपने ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन कर लेगा, तो ये कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर ये कंप्लीटली अपने ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन को रिकवर कर लेता है, तो इसे कहते हैं ये इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, ये बात समझ में आया। अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर ये अपने ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन मतलब ओरिजिनल लेंथ को रिकवर ना कर पाए आफ्टर रिमूविंग द स्ट्रेस, ठीक है, अप्लाइड स्ट्रेस, तो हम कहेंगे वो प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, ये बात समझ में आ गया। तो बहुत सारे हमारे मटेरियल्स हैं जो क्या करते हैं, प्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, बहुत सारे हैं, जैसे स्प्रिंग आप खींच के छोड़ दीजिए वापस पहुंच जाएगी। अगर मान लीजिए स्प्रिंग इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं करती, तो शॉकर हम लोग बनाते नहीं बाइक का या स्कूटी का या ट्रेन का, वो पता चला दबा और दबा ही रह गया तो नीचे ही चला गया, है ना, वापस नहीं आया। तो उसको इसलिए वहां पे काम पे लगाया गया है ताकि वो क्या करे, शॉक एब्जॉर्ब करे, ये बात समझ में आया ना, और फिर ट्रांसमिट करे आराम से। तो वो करता क्या है कि पहले जब उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, जर्क पड़ता है गड्ढे का, तो आपका स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है उसके ऊपर, तो वो दब जाता है ना। और फिर जब वो जो धक्का लगता है, अचानक चेंज इन मोमेंटम, वो हटता है, वो फोर्स हटता है, तो फिर वो अपना रिकवर कर लेता है। इसका मतलब कि जो सॉकर बना हुआ है या फिर जो पेन की स्प्रिंग है जो दबाते हैं तो क्या हो गई, स्ट्रेस में आ गई, आपने फिर उसको दबा दिया तो स्ट्रेस रिमूव हो गया, वो अपने ओरिजिनल शेप में आने को आ गई, है ना। इसका मतलब जब भी अगर कोई ऐसा बॉडी है जो अपना कॉन्फिग्रेशन ओरिजिनली क्या कर ले रहा है, आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स रिकवर कर ले रहा है, तो हम कहेंगे वो इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, ये बात समझ में आ गया ना। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करोगे, इसका मतलब अब जो उसमें स्ट्रेस होगा, जैसे हमने कहा स्ट्रेस को हमने डबल कर दिया, क्या स्ट्रेन डबल होगा या 4 टाइम्स हो जाएगा या 8 टाइम्स हो जाएगा, ये कैसे सोचेंगे, है ना। तो हुक्स ने कहा कि अगर लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है, वो बंद हो गया, टैप करो, कैमरा खोलो, कैमरा कैमरा कैमरा, ठीक है, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या शो कर रहा है,
दैट सोट। अब अगर हम लोग कहेंगे कि अगर स्ट्रेस लीनियरली वेरी कर रहा है ना, तो कहेंगे स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, स्ट्रेन इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग स्ट्रेस डबल करते हैं तो स्ट्रेन भी डबल हो जाए, अगर स्ट्रेस ट्रिपल करें तो स्ट्रेन भी क्या हो जाए, ट्रिपल हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो आपका स्ट्रेस हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन वैसे वैसे बढ़ रहा है। तो अगर हम बात स्ट्रेस वाई एक्सिस पे हम अगर स्ट्रेस दिखाते हैं और एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग स्ट्रेन दिखाते हैं, स्ट्रेन, तो इनका बिहेवियर क्या होगा? अब जब स्ट्रेस आपने नहीं दिया, स्ट्रेस अगर आपने नहीं दिया तो स्ट्रेन भी जीरो होगा, मतलब ग्राफ ओरिजिन से चलेगा। और चूंकि लीनियर बिहेवियर शो हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अगर ये लीनियर बिहेवियर शो नहीं करता तो ग्राफ क्या हो सकता था, ग्राफ हो सकता था, पैराबोलिक हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। ये बात समझ में आया ना, अगर लीनियर बिहेवियर शो नहीं करता तो अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी ऐसा बिहेवियर शो कर रही है विद इन द इलास्टिक लिमिट, है ना, विद इन द इलास्टिक लिमिट, जब तक वो इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, और विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर ऐसा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन है, तो हम कहेंगे वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए भी ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। जैसे देख लीजिए जितने भी रबर होते हैं, है ना, ठीक है, रबर हो गए, तो जो रबर होते हैं, स्ट्रेस हो गया ये, और यहां हो गया स्ट्रेन हो गया, तो जो रबर का बिहेवियर है वो बिल्कुल क्या होता है, इलास्टिक तो होता है लेकिन वो हुक्स लॉ को ओबे करने वाला नहीं होता है, इस तरह से होता है। इसका मतलब कि ये बिहेवियर ये रबर के लिए, दैट इज रबर, ठीक है, और ये मान लीजिए एक तरह से स्टील के लिए, ठीक है, स्टील जैसे मटेरियल के लिए है। तो हम कहेंगे कि रबर के लिए स्ट्रेस और स्ट्रे ये इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, अगर हम लोग स्ट्रेस रिमूव कर दे रबर से तो वो अपने ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को रीगेन कर लेगा, मतलब इलास्टिक तो है लेकिन जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, ये बात समझ में आ गया ना, ठीक है। इवन रबर ही नहीं, स्टील भी एक लिमिट के बाद हुक्स लॉ को ओबे करना क्या कर देता है, बंद कर देता है ना, तो वो ग्राफ में स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक। सर स्प्रिंग की तो बंद करता है सर सर हाँ इलास्टिक ठीक है, तो लिखिए हुक्स लॉ, लिख लो पहले, बना लेना। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, ठीक है, ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में, दैट मीन्स विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ब्रैकेट क्लोज, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू विद इन द इलास्टिक लिमिट, ब्रैकेट क्लोज, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, फुल स्टॉप। दिस इज नोन एज हुक्स लॉ, दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, नीचे लिख देंगे मैथमेटिकली, स्ट्रेस क्या हो गया आपका, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, स्ट्रेन के। इसका मतलब जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा, जिसे के कहते हैं, ठीक
ठीक है, वेयर के इज कॉल्ड, वेयर के इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो आता है उस रेशियो को, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या बताता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। अब पॉइंटर क्या है, अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब के की वैल्यू ज्यादा है, इससे ये पता चलता है कि वो ज्यादा इलास्टिक बॉडी है, अगर के की वैल्यू कम है तो वो लेस इलास्टिक बॉडी है, तो इससे हम लोग उसके इस क्वालिटी को कंपेयर कर पाते हैं। ठीक है, कौन से प्रॉपर्टी को, अगर आपको ये आर्ग्यू करना है किसी भी चीज के, जैसे आगे चल के एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, तो जब भी हम किसी दो मटेरियल के करेस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट करेंगे कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, के की वैल्यू मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना पड़ेगा। जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों बॉडी की निकाल लेंगे तो हम कहेंगे ठीक है, अगर इसकी किसी बॉडी की अगर ज्यादा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो वो ज्यादा इलास्टिक होगा, जिसकी कम है वो क्या होगा, कम होगा। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हाँ, अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं जो स्ट्रेस होता था वो तीन टाइप का होता था, कौन कौन सा स्ट्रेस होता था, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता था है ना, तो करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन क्या आता था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता था, तो जब ये स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल होगा, स्ट्रेन भी लॉन्गिट्यूडनल होगा या है ना टेंसाइल होगा, तो उस समय के को कहा जाता है यंग मॉडुलस, क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस है ना, वाई ओ यंग मॉडुलस, मॉडुलस। ठीक है, और जब ये सियरिंग स्ट्रेस आता था ना, ठीक है, सियरिंग स्ट्रेस अपॉन क्या होता था, सियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, तो इसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस जो अरे वो यही है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, अब तीसरा क्या हो गया, जब ये वॉल्यूम वाला स्ट्रेन होगा, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम मतलब वहां हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते थे उसको है ना, हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, तो बल्क मॉडुलस होता है, उसे क्या कहते हैं, बी बल्क मॉडुलस। तो ये हो गया आपका बल्क बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो ये तीन होते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक, ठीक है, इसका सिंबल देखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका वाई, यही कहा जाता है यंग मॉडुलस, मतलब यंग मॉडुलस भी क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही है, लेकिन यंग मॉडुलस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस है, और स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्ग द लेंथ है, लेकिन हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कब कहेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तब कहेंगे जब कहाँ होगा, सियरिंग स्ट्रेस होगा, ठीक है, जब किसी एंगल पे, जब हम दबाते थे, जैसे बुक को हमने दबाया था, डब्बे पे लगाया था फोर्स, तो आगे की तरफ क्या हो गया था, खिसक गया था है ना, तो थीटा एंगल से वे स्वेप कर रहा था, तो उस समय कहा जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, हाँ, सियरिंग स्ट्रेस अपॉन सियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, अब जब ये स्ट्रेस क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो जाएगा, और स्ट्रेन कौन सा हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा, तो उस समय यही कांस्टेंट के क्या कहा जाएगा, बल्क मॉडुलस बी कहा जाएगा। ठीक है, नोट करो। अब देखिए, जब हम वहां बात करेंगे कि जब दोनों का, ठीक है, वेट इक्वल है, इसका मतलब ये पॉइंटर जीरो पे होगा,
एक्सटेंशन नहीं होगा, है ना। इसका मतलब देर इज नो स्ट्रेन विदाउट स्ट्रेस, है ना। तो कोई भी स्ट्रेन विदाउट स्ट्रेस नहीं आएगा। इसका मतलब कि ओरिजिन क्या हो गया, ग्राफ का पार्ट हो गया, ठीक है। ये ग्राफ का पार्ट हो गया ना ओरिजिन। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर जब हम इसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ाते जाएं, ठीक है, तो शुरू में जैसे ये स्टील की बात, स्टील के लिए बात कर रहे हैं ना, या स्टील जैसे मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि जब स्ट्रेस बढ़ाते चले जाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और वो क्या करेगा, जो जो आपका मटेरियल है वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा होगा, ओबे कर रहा होगा इस तरह से, ठीक है, हुक्स लॉ को ओबे कर रहा होगा। लेकिन ये जो हुक्स लॉ है ना, ये किसी ए तक, ओ से लेके किसी ए तक तो फॉलो किया जाएगा। स्टील ने फॉलो किया, लेकिन स्टील का बहुत हो गया, है ना, अब स्ट्रेस बहुत हो गया, ठीक है। अब हम हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इलास्टिक नहीं, अभी भी इलास्टिक है वो, अभी भी वो क्या है, इलास्टिक है। लेकिन अब वो बदमाश बच्चा बन गया, है ना, कहा कि अब हुक्स लॉ को ओबे नहीं करने वाले हैं, अभी भी इलास्टिक है ना। फिर अब लोगों ने और स्ट्रेस बढ़ाया, जब और स्ट्रेस बढ़ाया तो ये हुक्स लॉ को ओबे नॉन लीनियर ग्राफ है, ठीक है, और किसी बी तक नॉन लीनियर रहा, कहा कि इलास्टिक है, कहा कि बहुत हो गया, है ना, अब स्ट्रेस की इंतहा हो गई, है ना। तो ये जो बी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द, है ना, बर्दाश्त करने की क्षमता, मतलब इलास्टिक लिमिट, ठीक है, हद हो गया, तो इसे इलास्टिक लिमिट कहते हैं। बी क्या हो गया आपका, इलास्टिक लिमिट हो गया। अब इसके बाद किसी ने स्ट्रेस बढ़ा दिया तो वायर अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रिटर्न नहीं होने वाला है कंप्लीटली, अब वो परमानेंट सेट हो जाएगा, कहा कि बस इससे ज्यादा नहीं। तो ये दैट इज बी पॉइंट, बी इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट, या इसी को याइल्ड पॉइंट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, याइल्ड पॉइंट, वाई आई ई एल डी, याइल्ड पॉइंट, या हम लोग क्या कह रहे थे इसी को, और इलास्टिक लिमिट, है ना, पॉइंट बी हाँ, होना चाहिए। पॉइंट बी को इलास्टिक लिमिट। ये बात समझ में आ गई। इस और जो करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है, इसे हम याइल्ड स्ट्रेस कहते हैं, सिग्मा वाई, क्या कहते हैं, सिग्मा वाई, याइल्ड स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद भी, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ाया जा सकता है। अब अगर हम परवाह नहीं कर रहे हैं, टूट जाओ टूट जाओ, हमें क्या करना है ना, और बढ़ा दिया हम, देखिए अब क्या होता है, अब क्या हुआ, जैसे आप पेन पेन वाली स्प्रिंग थोड़ा सा खींचेंगे, छोड़ देंगे, चली जाएगी, ज्यादा खींचेंगे तो वैसे रह जाएगी, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि रीगेन नहीं किया उसने, रीगेन तो किया लेकिन कंप्लीटली नहीं किया। इसका मतलब वो परमानेंटली सेट तो हुई है ना, तो वो परमानेंटली सेट होने लगी। अब तो इसके बाद अब वो क्या हो जाएगा, इसके बाद स्ट्रेस बढ़ा तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, समझ में आया ना। और ये मटेरियल का, ठीक है, ये जो मटेरियल का है रीजन, ये क्या हो गया आपका, दैट इज द लास्ट स्ट्रेस जो वो बर्दाश्त कर सकता है, इस स्ट्रेस से ज्यादा वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो इसे कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। मटेरियल क्या है, कहा कि अब अल्टीमेट स्ट्रेस दे दियो हमें, ठीक है, अब तुम भूल जाओ कि हम बचने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है, अरे ये नाम डी हो गया, डी डी, अरे बुकवा में डी दिया, एनसीईआरटी में, तो उसी को रिफर कर लो, दोनों बात काम हो जाएगा ना। देखो तो ये हो गया सिग्मा यू, यू यू फॉर क्या हुआ, अल्टीमेट, है ना, अल्टीमेट स्ट्रेस हुआ। अब इसके बाद अगर तुम, अगर तुमने अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंचा दिया उसको, स्ट्रेस को, ये स्ट्रेस बढ़ाते बढ़ाते अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंचा दिया, फिर तुम हटा भी लो स्ट्रेस, तो बचने वाला नहीं है, वो अपने आप प्लास्टिक की तरफ फ्लो करके टूट जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, अपने आप क्या होगा, खींचेगा ये, ठीक है, और अपने आप खींच के यहां के बाद किसी ई पॉइंट पे वो फ्रैक्चर कर जाएगा, ठीक है, सर कोई को बोलना है तो ऐसे ही हाँ, ठीक करें। है। तो ई पॉइंट पे क्या कर जाएगा, वो फ्रैक्चर कर जाएगा, टूट जाएगा, ये बात समझ में आया ना। तो एक बार किसी भी मटेरियल को उसके अल्टीमेट, है ना, उसे अल्टीमेट स्ट्रेस प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, ये टेंसाइल स्ट्रेस हो, क्योंकि यहाँ पे वायर को हम खींच रहे हैं ना, और यहाँ वायर की बात कर रहे हैं, तो जब उसके अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेस आपने प्रोवाइड कर दिया, फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए, है ना,
कि वो बचने वाला है, ठीक है, वो हादसा होना है, फिर पुल गिरना है, केबल टूटनी है, ठीक है, जो होना है ना, हाँ, हड्डियों पे, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो दही हांडी वाला केस होता है, वहां जो खेला जाता है मुंबई मुंबई में, है ना, तो उसमें क्या होता है कि सबसे नीचे वाला आदमी जो होता है ना, उसके ऊपर आदमी, उसके ऊपर, तो सबसे नीचे वाले पे स्ट्रेस क्या होता है, बढ़ता जाता है ना, और दही हांडी की हाइट इतनी ज्यादा कर दी है कि आदमी का, है ना, ऊपर आदमी बहुत ज्यादा हो गया, नीचे जो स्ट्रेस आ रहा है, आदमी नीचे वाले पे स्ट्रेस जब ज्यादा हो गया, तो उसकी हड्डियां क्या हो जाएंगी, टूट सकती है, क्योंकि उसकी हड्डियां इस समय क्या बर्दाश्त कर रही हैं, वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर रही हैं, और वो स्ट्रेस अगर अल्टीमेट स्ट्रेस पहुंच गया तो वो लकड़ी की तरह पट्टा से खत्म हो जाएंगे, वैसे फिर बाकी लोग भी नीचे आ जाएंगे पट्टा से, ये बात समझ में आया ना, ठीक है, तो वहां भी होता है ये, ठीक, तो बना लीजिए, कहा चाहते हो तुम? नहीं है जी, वहां रहता तो वहां से देखो, रीजन ओए, अब रीजन ओए में, ठीक है, पहला पॉइंट जो आपका ग्राफ क्या है, ग्राफ का नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है, तो नेचर कहेंगे लीनियर, ठीक है, तो इन दिस रीजन, हाँ, नेचर लीनियर लिख देंगे, नेचर हो गया लीनियर, लीनियर का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दूसरा पॉइंट है ना कि जो ओए रीजन में है ना, बॉडी क्या कर रही है, इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है, अच्छा पहले तो इसी को डिकोड कर लेते हैं, अगर नेचर लीनियर है, इसका मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कहा जाएगा, स्ट्रेन कहा जाएगा, कि नेचर लीनियर है, तो हम कहेंगे स्ट्रेस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, ठीक है, तीसरा पॉइंटर, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हुक्स लॉ ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हुक्स लॉ ओबे कर रहा है ओए रीजन में, तो ओबे हुक्स लॉ, ओबे हुक्स लॉ, चौथा पॉइंटर, बॉडी इलास्टिक है कि नहीं, क्योंकि अगर रिमूव करेंगे स्ट्रेस तो अपना रिगेन कर लेगी सेफ, है ना, तो बॉडी इज शो इलास्टिक बिहेवियर, बॉडी शो इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है, पांचवा, ठीक है, अगर हम लोग यहां पे एरिया निकाले, अगर मान लो कोई पॉइंट आ जाए, है ना, और ये अगर एरिया निकाले अंडर द ग्राफ, तो ये देगा इनर्जी, जो आपने स्ट्रेस लगाया है, आपने अपनी इनर्जी उसको दी है, तो वो इनर्जी वेस्ट नहीं हुई, वो वायर जो है वो आपकी इनर्जी को केयर कर रहा है, वो स्टोर करके रखा है, आप उसको रीयूज कर सकते हो, जैसे हम लोग पानी इकट्ठा कर लेते हैं डैम में, उसको रीयूज कर सकते हैं, है ना, स्प्रिंग में इनर्जी स्टोर कर लेते हैं, उसको जैसे कि बच्चों की वो छोटी सी प्लास्टिक वाली चाबी भर देते हैं, अपनी एनर्जी दे दिया, अब बच्चे को दे दिया, तो बच्चा उस एनर्जी को यूज करेगा, तो चलाएगा गाड़ी को, तो वो रीयूज हो जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर हम इस चेयर को खींच देते हैं तो क्या होगा, जो ये एनर्जी हमने इसको दी, अब ये एनर्जी आने वाली है, क्या हुआ, इस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, इस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया साउंड में और हीट में, जो साउंड सुनाई दिया हमको, ये क्या था, अ पार्ट ऑफ इनर्जी थी जो हमने इसको दी थी, और जो ये हीटअप हुआ होगा, अगर सेंसर्स लगे होते, है ना, तो पता चलता हीटअप भी हुआ है, वो भी अ पार्ट ऑफ इनर्जी है, तो इसने हमारी इनर्जी को नॉन मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, नॉन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, अब हम उस इनर्जी को रीयूज नहीं कर सकते हैं, ये बात समझ में आया ना, तो ये कौन कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स कर रहा था, ये बात समझ में आया ना, वो हमारी एनर्जी का केयर नहीं करता है फ्रिक्शन, लेकिन जो इलास्टिक फोर्स लगते हैं यहाँ पे विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक फोर्स वर्क करता है, इलास्टिक फोर्स हमेशा हमारी एनर्जी का केयर करता है, इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी एनर्जी का केयर करता है ना, वो मतलब वो एनर्जी यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, ये बात समझ में आया ना, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी कोई वर्क करते हो तो वहां भी आप एनर्जी को क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, ये बात समझ में आ गया ना, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो ये एरिया है, हाफ बेस इंटू हाइट होगा ना,
ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा और ये स्ट्रेन हो जाएगा. तो हाफ, तो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर. तो है ना, एरिया अंडर द, एरिया अंडर अंडर ग्राफ गिव्स अस एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, ऑफ द वायर. बता रहे ठीक है. अब रही बात स्लोप की, है ना, तो स्लोप क्या देगा, स्ट्रेस, है ना, ये स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मिटा दिया हमने, यंग मॉडुलस देगा. तो इसका स्लोप क्या बताएगा, यंग मॉडुलस को. ठीक है, तो स्लोप गिव्स अस, सिक्स्थ पॉइंटर हो गया, स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स अस यंग मॉडुलस. उसी का एक वर्जन है, वर्जन है यंग मॉडुलस. हाँ वाई, ठीक है. इसका मतलब अगर ये स्लोप ज्यादा है तो ज्यादा इलास्टिक है, और स्लोप कम है तो वो क्या है, कम इलास्टिक है. तो दो मटेरियल के ग्राफ को हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, ये कंपटीशन के क्वेश्चन हो सकते हैं सब. तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि जो पॉइंट ए है, सेवेंथ पॉइंट आपका यहाँ पे और नोट कर लेंगे कि पॉइंट ए इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट. आफ्टर दिस पॉइंट देयर इज नो मोर प्रोपोर्शनल, है ना, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है. तो पॉइंट ए इज कॉल्ड, पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट. स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना. तो दीज आर द सेवन पॉइंटर्स. ठीक है, हाँ, किसके लिए था ये, ये ओ से लेके ए तक के लिए था, है ना. अब हम बात किसके लिए करेंगे, रीजन. अब आगे बढ़ेंगे, ए से बी की बात करेंगे, तो हेडिंग डाल लेंगे रीजन ए बी. तो रीजन क्या हो गया आपका, ए बी हो गया. अब ए बी में क्या हो गया, नेचर ग्राफ का नेचर क्या है, नॉन लीनियर है, है ना, लीनियर तो है नहीं. तो यहां पे क्या हम लोग बना लेंगे, नॉन लीनियर. यहां पे हम लोग चेंज कर लेंगे नॉन लीनियर ग्राफ, पहला वाला पॉइंट मैनिपुलेट कर लेंगे नॉन लीनियर, नॉन लीनियर. ठीक है, समझ आ गया. अब इसको देखिए, अगर लीनियर नहीं है तो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, तो बस हम यहां पे लिख के काट लेंगे, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है, अब वो कैसे वेरी कर रहा है वो हम लोग, है ना, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. बस हमें बस ये क्लेम करना है कि अब वो प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं है, और ऐसा नहीं है तो इट डज नॉट ओबे हुक्स लॉ. हुक्स लॉ भी ओबे नहीं किया जाएगा, ये भी नोट कर लेंगे.
इधर चौथा फ्री होगा, इलास्टिक बॉडी ठीक है, इलास्टिक लेकिन अभी भी बॉडी क्या होगी? बॉडी। इलास्टिक होगी। ये बात समझ में ना, बॉडी ने अपनी इलास्टिक बिहेवियर अभी छोड़ा नहीं है, अभी भी वो इलास्टिक है। और एरिया अंडर द ग्राफ अभी भी देगा वो, जब तक बॉडी इलास्टिक है तब तक एरिया अंडर द ग्राफ आपको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देगा। लेकिन अब स्लोप की बात नहीं करेंगे क्योंकि लाइन स्ट्रेट नहीं रही है ना, तो हर जगह देखो इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे अलग यंग मॉडुलस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। तो अब हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था वो क्या था, स्ट्रेस जब प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के तभी बात करते थे, और उसके बाद हम लोग बात नहीं करते थे। तो हम लोग किसकी बात नहीं कर रहे, एरिया की बात नहीं करेंगे, ठीक है? एरिया अच्छा, एरिया की बात करेंगे लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे, क्या नाम है इसका। तो जनरली ये दोनों पॉइंट्स हम लोग मेंशन नहीं करते हैं ना, क्योंकि ये इलास्टिक जब हुक्स लॉ ओबे कर रहा होता है तभी बात होती है इन दोनों की। तो ये दोनों पॉइंट हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है? नहीं। हाँ मतलब हाँ, बस लिख के काट देंगे कि ये ओबे नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। अब देखो पॉइंट जो ए है, अब पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। ए के बारे में तो जानते ही हम लोग, अब बी के बारे में जानते हैं, तो बी हो गया क्या कहा जाएगा, ठीक है, इलास्टिक लिमिट कहा जाएगा। बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। हो गया। अब देखो तो हम अब किसकी बात करें, बी ये से डी की बात करें, है ना। तो बी से डी, बी से डी की बात करें, तो हम कहते हैं कि अगर बी से डी के बीच में, ठीक है, इधर देखो बी से डी के बीच में अगर कोई पॉइंट सी लिया जाए, कोई भी पॉइंट सी लिया जाए, है ना, और पॉइंट सी से इस ओ ए के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, ओ ए के पैरेलल, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन आया है, ये जो स्ट्रेन आया है ये क्या होगा, नॉन रिकवरेबल होगा, बॉडी रिगेन नहीं करेगी, इतना क्या हो जाएगा, परमानेंटली सेट हो जाएगा। ये बात समझ में आया ना, तो ये कहा जाएगा दिस स्ट्रेन इज परमानेंटली सेट, है ना, ये परमानेंट सेट कहा जाता है, इतना इतना स्ट्रेन रिकवर नहीं होने वाला है, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट परमानेंट सेट, ठीक है। दैट इज लेस देन 1% होता है, ये डेटा है आपका, 1% से कम होता है। खैर अब देखिए इसका मतलब बी से डी के बीच में भी ग्राफ नॉन लीनियर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। तीसरा, जाहिर सी बात है हुक्स लॉ भी नहीं होगा, फिर ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बॉडी शो प्लास्टिक बिहेवियर, कैसा शो करेगी, अब इलास्टिक नहीं करेगी, परमानेंट सेट हो जा रही है, तो बॉडी शो प्लास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक बिहेवियर, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट वैसे ही ये हट जाएंगे, ठीक। अब किसकी बात करेंगे, पॉइंट डी की बात करेंगे, तो डी क्या कहा जाएगा, इज कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट, है ना, अल्टीमेट पॉइंट कहेंगे, और करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है ना, वो अल्टीमेट स्ट्रेस कहा जाएगा, ठीक है। तो इस कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट, डी इज कॉल्ड अल्टीमेट अल्टीमेट पॉइंट एंड करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस, लिख देते हैं, एंड करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस सिग्मा यू।
अब देखिए, अब रीजन कौन सी बात करते हैं, रीजन डी से ई की बात करते हैं, ठीक है। तो डी से ई की जब बात करेंगे, से रीजन डीई, अब डीई में पहले पॉइंट को देखते हैं तो नेचर नॉन लीनियर होगा और ये तीनों पॉइंट कनेक्टेड हैं, है ना। ये हमेशा जो क्वेश्चन आजकल नए आ रहे हैं हमारे पास, क्या क्या असर्शन रीजन, तो उसमें ये डाला जा सकता है कनेक्टेड पॉइंट से, ठीक है। तो हम कहेंगे नेचर नॉन लीनियर है, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा, बिहेवियर प्लास्टिक होगा, ठीक है, अभी भी प्लास्टिक बिहेवियर रहेगा, है ना, उसके बाद हमेशा। और क्या कहेंगे उसके बाद, एरिया फेरिया की बात नहीं करेंगे, स्लोप की भी बात नहीं होगी। अब पॉइंट किसकी बात करेंगे, ई की, तो ई पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉइंट ई इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। तो फ्रैक्चर, वहां हाँ टूट जाएगा, फ्रैक्चर करने से टूट जाएगा ना, पे हाँ हाँ टूट जाएगा। अब अल्टीमेट के बाद आप स्ट्रेस दे ही नहीं सकते ना, अपने आप ही वो टूटेगा, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक। देखो अब जो इस रीजन में है ना, ये रीजन बड़ा काम का है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर 1 ग्राम गोल्ड ले ले, है ना, तो उससे 1 किलोमीटर लंबा वायर, 2 किलोमीटर लंबा वायर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, 1 ग्राम, ठीक है। हाँ, अरे होता हुआ क्या, होता है वही करते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम सोने से हम लोग क्या करते हैं, जो साड़ियों में लगाया जाता है कई बार, है ना, सोने की वो काम किया जाता है, उसके अंदर तार लगाया जाता है, ठीक है, कढ़ाई करा जाता है, ठीक। तो महंगी साड़ियां हो जाती है इसीलिए। तो हम लोग कहते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, डक्टिलिटी हो गई, डक्टाइल मटेरियल है, इसका मतलब गोल्ड डक्टाइल नहीं होता तो ये काम हम नहीं कर पाते, है ना। जैसे अगर मान लो कि यही काम हम सोचे कि शीशा लेड ले ले, शीशे को हम इतना कर दे, है ना, पीट पीट के, तो एक कबार पीटे के बाद टूट जाए खट से। इसका लिटिल मतलब कि अगर मेटल को लेके, ठीक है, मेटल को लेके उस पर एक हथौड़ी मारो, ठीक है, तो वो फैलेगा, है ना, डिफॉर्म तो होगा लेकिन फैल जाएगा वो। तो इसे कहते हैं कि हम पीट पीट के उसे क्या कर देंगे, सीट बना देंगे, पतला सीट बना देंगे, है ना। तो हम कहेंगे कि वो डक्टाइल मटेरियल है, से लंबा वायर खींचा जा सकता है, वो टूटेगा नहीं, फ्रैक्चर नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर हम यही स्ट्रेस बाकी हमने कहा कि से, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ जैसे शीशा हो गया, इसको अगर कर दे तो वो टूटेगा, उससे पहले उसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना। तो ये कैसे पता चलता है, ग्राफ के इस पोर्शन से पता चलता है। तो अगर ये जो अल्टीमेट पॉइंट है और जो फ्रैक्चर पॉइंट है, इनके बीच में सेपरेशन ज्यादा है, इफ दे आर सेपरेटेड फार अपार्ट, तो हम कहेंगे मटेरियल डक्टाइल है, ठीक है। और अगर इनके बीच का सेपरेशन कम होने लगा तो वो अब क्या होगा, अब वो ब्रिटल नेचर शो करेगा। और बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो डी और ई पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ये उठ के कहाँ आ जाता है, डी डी पे ही आ जाता है। इसका मतलब कि जब आप उसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंचाओगे, उसे स्ट्रेस दोगे, वो डक्टिलिटी नहीं शो करेगा, सीधे फ्रैक्चर होगा। ये बात समझ आए ना, ठीक है। इसका मतलब कि ये पोर्शन जो ग्राफ का है, ये दो बिहेवियर को आपको इंडिकेट करेगा, है ना, डक्टाइल अगर ये फार अपार्ट हुए पॉइंट्स, और ये क्या होगा, ब्रिटल नेचर होगा अगर दे आर क्लोज इनफ, अगर ये क्लोज है, जितने क्लोज है उतना ज्यादा ब्रिटल बिहेवियर है। तो ये ग्राफ का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। इसका मतलब फिर से रिपीट कर दें, तो हमारे पास, हमने मान लिया कि ये स्टील है, ये रबर है, और दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल इन मींस मटेरियल के टर्म में नहीं, ज्योमेट्री के टर्म में। इनका लेंथ इक्वल है, इनकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इक्वल है, ठीक है, सेम थिकनेस के हैं ये। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का क्या है, ए है, ये हम लोगों ने देखा। अब दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस प्रोवाइड करा गया बाय हैंगिंग द इक्वल वेट। इक्वल वेट हमने हैंग किया उनके लोअर पार्ट से, इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो हम लोग रियल लाइफ में जानते हैं, ऑब्जर्वेशन हमारा होता है, कौन ज्यादा खींचेगा, बराबर रबर ज्यादा लंबा खींच जाएगी, बस यही बात है ना, यही बात नहीं भूलनी है, ठीक। तो रबर ज्यादा खींच जाएगी,
तो दैट इज अ इलांगेशन इन रबर, दैट इज अ इलांगेशन इन रबर. से से इसे हम कहेंगे ये डेल्टा एल और रबर में है, तो एल आर लिख दे रहे हैं, आर बता रहा है रबर के लिए. तो स्टील, स्टील तो जरा सा खींचेगा बेचारा, इसे तो ऐसा लगेगा पता भी नहीं चलेगा कि हमें क्या किया गया है ना. ठीक है, तो ये क्या होगा, इतना खींच गया ये, तो ये जो लेंथ है दिस इज क्या लिखेंगे, डेल्टा एल एस. अब हम लोग सबसे पहले इनके क्या लिखते हैं, यंग मॉडुलस लिखते हैं. किसके लिए यंग मॉडुलस लिखे, पहले हम लोग स्टील के लिए लिखे या फिर यंग मॉडुलस लिख ही लेते हैं. यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस वाई इक्वल टू क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है ना. इसका मतलब ये कैसे आएगा, आपने अगर ये डब्लू वेट हैंग किया है दोनों में, तो यही तो स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहा है, डब्लू अपॉन ए है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया. और जो लेंथ हुआ है, ठीक, अभी डेल्टा एल लिख दे रहे हैं अपॉन एल ओरिजिनल डायमेंशन. अब इसको अगर देखा जाए यहां से, तो आप इसको पलट लोगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, और ये एल ऊपर चला जाएगा. ठीक है, ये वाई हो गया है कि नहीं. अब ये बताइए दो बातें, कि जो वेट है दोनों सिचुएशन में सेम रखा है हमने, हमने लेंथ भी सेम रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रखा है, तो ये बात किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ डेल्टा एल पे. इसका मतलब जो यंग मॉडुलस है, ठीक है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना, जो डिफॉर्मेशन है ठीक है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब कहेंगे इसका मतलब, अब इसका मतलब क्या हुआ, कि जो हमें फैक्ट पता है कि डेल्टा एल आर क्या है, डेल्टा एल आर ज्यादा है किससे, डेल्टा एल एस से. इससे क्या पता चलता है कि जो यंग मॉडुलस होगा आर का वो कम हो जाएगा ना, है कि नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर ये ज्यादा होगा ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वाई एस. और हम लोगों ने बात क्या करा था, कि जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा है वो ज्यादा इलास्टिक है, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है स्टील का. इसका मतलब क्या हुआ, दैट इंप्लाइज स्टील इज मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक देन रबर. ठीक है, यहाँ पे बताओ लिख लेंगे, दैट मीन्स वेन एवर एल इंक्रीज करेंगे इंप्लाइज वाई क्या करने वाला है. ठीक है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये.